सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई से सटे उल्हासनगर में कैंप क्रमांक 3 में स्थित मध्यवर्ती अस्पताल के प्रांगण में स्वर्गीय उद्योगपति प्रकाश आहूजा जी की पुण्यतिथि पर मरीजों के लिए धूप से बचने के लिए शेड बनाया गया, जिसका उद्घाटन शिवसेना शिंदेगढ़ के कल्याण जिला प्रमुख गोपाल लांडगे के हाथों सम्पन्न हुआ। सबको मिला आया अभी। हम सेंट्रल हॉस्पिटल में खड़े हैं, जहाँ पे मेरे ससुर जी प्रकाश आहूजा जी के नाम से हमने एक गार्डन बनाया है और आज उसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये गार्डन हमने, यह हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि यहाँ पे जो भी मरीज आते हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, उन्हें बहुत दिक्कत होती है, उनके लिए कोई बैठने की सुविधा नहीं है और वो खड़े होकर परेशान हो जाते हैं, गर्मी में बारिश में भीगते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे शेड लगाकर थोड़ी सी बैठने की व्यवस्था की है, जैसे उनको थोड़ी सी राहत मिल सके और वो यहाँ पर बैठकर अपना जो भी दुख है और जो भी उनके मन में जो भी तकलीफ है उसको हल्का कर सके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जी के आशीर्वाद से ही हुआ है, उनके आशीर्वाद के बगैर ये काम मुमकिन नहीं था और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है और हम और भी कुछ कार्य करेंगे और भी आगे हमने डेवलपमेंट सोच के रखा है और साहब का, डीन साहब का सहयोग है और लांडगे साहब का सहयोग है, पत्रकार लोगों का सहयोग है, तो आप लोग सहयोग करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और आप लोग के आशीर्वाद से सब आगे बढ़ेंगे। क्या क्या जैसे सर ने कहा है, जैसे धूप है, बारिश आती है, गर्म होता है, कुछ भी है, तो आदमी यहाँ पे बैठा रहेगा क्योंकि वहाँ बैठने की जगह तो है नहीं, सब खड़े रहते हैं और यहाँ पे बैठने की सुविधा हो जाएगी, ऊपर शेड है, बारिश में भी आदमी भीगेंगे नहीं तो अच्छा रहेगा सबके लिए। मैडम आहूजा से हाजा एक रन तो उनके स्मृति प्रीत्यर्थ आज यहाँ दिनेश आहूजा, वर्षा आहूजा, गीता आहूजा, उनकी तरफ से सेंट्रल हॉस्पिटल में गार्डन बनाया है और जो पेशेंट आते हैं उनके लिए एक अच्छा सुविधा इधर तैयार किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। प्रकाश शेठ के बारे में आप सब लोग जानते हैं, दानशूर समाज सेवक थे और वैसा ही काम इनका परिवार कर रहा है। थैंक यू सर।